आम आदमी के लिए टॉप 5 सरकारी योजनाएं। आम आदमी का जीवन आसान हो सके, लोगों को कम खर्च में अधिक सहूलियत मिल सके, जिनको जरूरत है मदद की उन्हें वो मदद मुहैया कराई जा सके, इसके लिए लगातार भारत सरकार काम कर रही है, कई योजनाएं और कानून ला रही है। आज हम आपके साथ ऐसी ही 5 योजनाओं के बारे में बात करेंगे जो आम जनजीवन से सीधे तौर पर जुड़ी हुई है। किसान सम्मान निधि योजना। इस योजना के अंतर्गत सभी किसानों को 6,000 रुपए प्रतिवर्ष मदद की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत 2 हेक्टेयर यानी कि जिन किसानों के पास 12.5 बीघा जमीन है उन्हें मदद मिलेगी। अगर किसी किसान के पास इतनी जमीन है या इससे कम जमीन है तो वो इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। यदि किसी के पास 2 हेक्टेयर से अधिक जमीन है तो वो इस योजना का लाभ नहीं उठा सकता। इस योजना के तहत जो पैसा मिलेगा वो किसानों को 3 किश्तों में मिलेगा, यानी कि एक साल में अलग अलग महीने में 2,000 करके किसानों के खाते में जमा कराया जाएगा। इस योजना से लगभग 12 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने 25 दिसंबर 2020 को 9 लाख से अधिक किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 18,000 करोड़ रुपए की किश्त जारी कर दी। इस योजना से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए वो योजना का लाभ उठाने के लिए सरकारी वेबसाइट पर जाएं। आप इस लिंक को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पा सकते हैं। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना। इस योजना के अंतर्गत उद्योग करने वालों को 25 लाख और सेवा क्षेत्र में निवेश करने पर 10 लाख रुपए का कर्ज मिलेगा। इस योजना का उद्देश्य है युवाओं को स्वरोजगार देना, जिससे युवा ग्रामीण, कस्बाई और शहरी इलाके में छोटे छोटे कारोबार शुरू कर एक तरफ जहां अपने जीवन यापन के लिए साधन बना सकें और दूसरों को रोजगार देकर उनके जीवन यापन का साधन बन सकें। किसे मिल सकता है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना में लोन? 18 साल से अधिक उम्र के व्यक्तियों को, कम से कम 8वीं कक्षा पास हों, PMEGP के तहत शुरू नए प्रोजेक्ट पर ही स्कीम का मिलेगा लाभ। सेल्फ हेल्प ग्रुप जिन्हें किसी अन्य योजना में मदद नहीं मिल रही हो, सोसाइटी एक्ट 1860 के तहत पंजीकृत सोसाइटी, सहकारी संस्थान और धर्मार्थ संस्था आदि। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना में लोन के लिए आवेदन इस लिंक पर जाकर साथी और भी अधिक जानकारी हासिल करें। आप इस लिंक को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पा सकते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना। PMAY योजना का लाभ पहले सिर्फ निम्न वर्ग की आय वाले लोग ही ले पा रहे थे, लेकिन परिवर्तन के बाद इस योजना का लाभ 2.5 लाख रुपए से लेकर 18 लाख रुपए तक सालाना आय वाले भी उठा सकते हैं। इस योजना का लाभ लेने वाला 21 साल से 50 साल तक की उम्र वाला होना चाहिए। लाभ लेने वालों की श्रेणी जाने। EWS के लिए सालाना आय 3 लाख होनी चाहिए। LIG के लिए सालाना आमदनी 3 से 6 लाख के बीच होनी चाहिए। MIG के लिए सालाना आमदनी 12 से 18 लाख के बीच होनी चाहिए। अधिक जानकारी के लिए इस लिंक पर क्लिक करें। आप इस लिंक को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। इस योजना के तहत कमजोर वर्ग के परिवारों को फ्री में गैस कनेक्शन दिया जाता है। PMUY के तहत ग्रामीण इलाकों की महिलाओं को सीधा लाभ मिलता है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी स्कीमों में से एक है। ग्रामीण इलाके के वो सभी गरीब परिवार जो अभी तक गैस कनेक्शन से वंचित थे, इस स्कीम के तहत वो अपना फ्री LPG गैस कनेक्शन करा रहे हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से लोगों को क्या लाभ मिल रहे हैं? शुद्ध ईंधन के प्रयोग से महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार, अशुद्ध जीवाश्म ईंधन के प्रयोग न करने से वातावरण में कम प्रदूषण, खाने पर धुएं के असर से मृत्यु में कमी, छोटे बच्चों में स्वास्थ्य समस्या से छुटकारा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लिए कैसे करें आवेदन? PMUY के तहत गैस कनेक्शन लेने के लिए BPL परिवार की कोई भी महिला आवेदन कर सकती है। इसके लिए आपको KYC फॉर्म भरकर नजदीकी LPG केंद्र में जमा कराना होगा। PMUY में आवेदन के लिए 2 पेज का फॉर्म, जरूरी दस्तावेज, नाम, पता, जनधन बैंक अकाउंट नंबर, आधार नंबर आदि की जरूरत पड़ती है। आवेदन करते समय आपको ये भी बताना होगा कि आप 14.2 किलोग्राम का सिलेंडर लेना चाहते हैं या 5 किलोग्राम का। कहां से मिलेगा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना यानी कि PMUY का फॉर्म? PMUY का फॉर्म आप प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। आप नजदीकी LPG केंद्र से भी आवेदन फॉर्म ले सकते हैं। इस लिंक को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। आयुष्मान भारत योजना। मोदी केयर के नाम से प्रसिद्ध आयुष्मान भारत योजना यानी कि ABY के तहत देश के 10 करोड़ परिवारों या 50 करोड़ लोगों को सालाना 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जा रहा है। ABY को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJAY भी कहा जाता है। ये वास्तव में देश के गरीब लोगों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। आयुष्मान भारत योजना का लाभ कौन ले सकता है? देश के 10.74 करोड़ परिवार
PMJAY का लाभ ले सकते हैं। इन परिवार की पहचान गरीब और सुविधाओं से वंचित लोगों के तौर पर हुई है। आयुष्मान भारत योजना का लाभ लेने के लिए सामाजिक, आर्थिक, जाति जनगणना के आंकड़ों पर इस्तेमाल हुआ है। PMJAY का लाभ लेने के लिए परिवार के आकार या उम्र की समय सीमा तय नहीं की गई है। अधिक जानकारी के लिए इस लिंक पर क्लिक करें। इस लिंक को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप पा सकते हैं। ओके क्रेडिट बिजनेस ओके है।